नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आरएमएला पीजी कॉलेज, वाराणसी। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रकरण मानसिक अंतर्द्वंद का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे इस अध्ययन के मुख्य बिंदु हैं मानसिक संघर्ष या मानसिक द्वंद का अर्थ जानना, दूसरा मानसिक अंतर्द्वंद के स्रोत जानना, तीसरा मानसिक अंतर्द्वंद के परिणामों से परिचित होना, चौथा मानसिक अंतर्द्वंद के उपागमों को जानना, और पांचवा और अंतिम है मानसिक अंतर्द्वंद के प्रबंधन कौशल में शिक्षक की भूमिका समझना। आइए शुरू करते हैं मानसिक अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का अर्थ, जब व्यक्ति के समक्ष दो या दो से अधिक लक्ष्य या उद्देश्य उपस्थित हो जाते हैं और व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि उसे कौन से लक्ष्यों की पूर्ति करनी है और कौन से लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करनी है, तो इस प्रकार के अनिर्णय की स्थिति को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। अंतर्द्वंद एक पीड़ादायी मानसिक स्थिति होती है। अंतर्द्वंद के कई स्रोत होते हैं। अंतर्द्वंद के स्रोतों के विषय में हम विस्तार से जानते हैं। अंतर्द्वंद के स्रोत चार प्रकार के होते हैं। पहला उपागम उपागम स्रोत, दूसरा उपागम परिहार द्वंद, तीसरा परिहार परिहार द्वंद, चौथा द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद। आइए अब इसे और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उपागम उपागम अंतर्द्वंद। उपागम उपागम अंतर्द्वंद तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के समक्ष दो मनचाहे लक्ष्य उपस्थित हो जाते हैं और व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि इन लक्ष्यों में से उसे कौन सा लक्ष्य छोड़ना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही लक्ष्य, दोनों ही उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह अनिर्णय की स्थिति में फंस जाता है कि उसे कौन सा लक्ष्य छोड़ना है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक ही समय में एक आकर्षक वेतन वाली नौकरी प्राप्त होती है, दूसरी तरफ उसी समय में उसे करियर एडवांसमेंट के अवसर भी मिलते हैं। दोनों ही लक्ष्य उसके मनचाहे हैं, परंतु उसे उनमें से किसी एक लक्ष्य का चुनाव करना है। अब वह अनिर्णय की स्थिति में फंस जाएगा कि वो कौन सा लक्ष्य छोड़े और किसका चुनाव करे। इस प्रकार की स्थिति से उपागम उपागम द्वंद उत्पन्न होता है। दूसरा है उपागम परिहार द्वंद। उपागम परिहार द्वंद तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के समक्ष एक ही लक्ष्य हो जिसे वो प्राप्त भी करना चाहता है और जिससे वह भागना भी चाहता है। इस प्रकार के द्वंद में व्यक्ति के समक्ष एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन उस समय विशेष में व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं चाहता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के समक्ष एक आकर्षक नौकरी, आकर्षक वेतन वाली नौकरी का प्रस्ताव है, किंतु इस शर्त पे है कि वह तत्काल ही कार्यभार ग्रहण करेगा, परंतु उसी समय उसी दौरान उसे विदेश भ्रमण का भी अवसर प्राप्त होता है। अब व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में फंस जाता है कि उस समय उसे वह नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार एक ही लक्ष्य से व्यक्ति भागता भी है और उसे प्राप्त करना भी चाहता है। इस प्रकार वह उपागम परिहार द्वंद में फंसता है। तीसरा है परिहार परिहार द्वंद। इस प्रकार का द्वंद तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के समक्ष दो ऐसे लक्ष्य उपस्थित हो गए हों जिन्हें वह प्राप्त नहीं करना चाहता, जिन दोनों से ही वह भागता है, बचना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक बालक को स्वस्थ होने के लिए इंजेक्शन या कड़वी दवाई, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। हालांकि
बालक ना इंजेक्शन लेना चाहता है ना कड़वी दवाई लेना चाहता है। अब बालक के समक्ष यह विवशता है कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना आवश्यक है, तो बालक को किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति में बालक परिहार परिहार द्वंद का सामना करता है। चौथा है द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद। द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद व्यक्ति के समक्ष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के समक्ष दो लक्ष्य एक साथ उपस्थित हों। दोनों ही लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें व्यक्ति प्राप्त भी करना चाहता है और जिनसे भागना भी चाहता है, यानी दोनों में से किसी एक की पूर्ति होने पर व्यक्ति की आंशिक इच्छा की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक व्यक्ति को एक आकर्षक वेतन वाली नौकरी मिलती है, परंतु उसका कार्यस्थल घर से बहुत दूर होता है। दूसरी तरफ उसी व्यक्ति को उसी समय में एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें वेतन तो कम है परंतु कार्यस्थल घर के बहुत समीप है। अब व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता कि उसे कौन सी नौकरी का चयन करना है। दोनों में से किसी एक नौकरी का चयन करने पर भी व्यक्ति की आंशिक इच्छा की ही पूर्ति होती है। इस प्रकार व्यक्ति उपागम द्विस्तरीय उपागम परिहार द्वंद का सामना करता है। विद्यार्थियों, आइए अब देखते हैं कि अंतर्द्वंद के क्या क्या परिणाम सामने आते हैं। अंतर्द्वंद एक पीड़ादायी स्थिति होती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति असंतोष, निराशा, चिंता और तनाव का अनुभव करता है। अंतर्द्वंद के अधिक गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अंतर्द्वंद के कारण व्यक्ति में हीन भावना भी जन्म ले लेती है। निरंतर अंतर्द्वंद से जूझ रहे व्यक्ति का व्यवहार अस्थिर हो जाता है। वह आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उन्हें प्रकट कर देता है। सही समय पर निर्णय न ले पाने पर व्यक्ति के आत्मविश्वास में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अस्थिर व्यवहार और आत्मविश्वास में कमी का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के परफॉर्मेंस यानी निष्पादन पर पड़ता है और उसकी कार्यकुशलता वर्क एफिशिएंसी घटने लगती है। अंतर्द्वंद या अनिर्णय की स्थिति में व्यक्ति सही ढंग से एवं संतुलित रूप से बातचीत नहीं कर पाता है। संप्रेषण कुशलता में कमी के कारण व्यक्ति अपनी भूमिका और अपने संबंधों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। अंततः अंतर्द्वंद का गंभीर परिणाम विघटित व्यक्तित्व एवं विघटित समाज के रूप में सामने आता है। अंतर्द्वंद के उपागम। अंतर्द्वंद को किस प्रकार समझा जाए या अंतर्द्वंद के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंतर्द्वंद को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अंतर्द्वंद को समझने के तीन दृष्टिकोण होते हैं। पहला, परंपरावादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्द्वंद निराशाजनक होते हैं। इसके सदैव ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए अंतर्द्वंद से बचने का प्रयास करना चाहिए या ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे अंतर्द्वंद उत्पन्न ही ना होने पाए। दूसरा दृष्टिकोण है मानव संबंधवादियों का। इनका मानना है कि द्वंद एक प्राकृतिक सहज एवं अपरिहार्य स्थिति है। इससे बचा नहीं जा सकता, अतः इसके प्रबंधन के उपाय किए जाने चाहिए। तीसरा और आधुनिक दृष्टिकोण है अंतर्क्रियावादियों का। यह एक आशावादी दृष्टिकोण है। इसके अनुसार द्वंद उदासीनता एवं एक रसता को भंग करके उत्साह और प्रेरणा का संचार करते हैं, अतः नियंत्रित द्वंद को स्थान दिया जाना चाहिए। नियंत्रित द्वंद से यहाँ तात्पर्य है कि ऐसा द्वंद जिसके नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि अंतर्द्वंद के प्रबंधन कौशल हेतु शिक्षक की क्या भूमिका है। वह अपने विद्यार्थियों में अंतर्द्वंद का सामना करने के लिए किस प्रकार से कौशलों का विकास कर सकता है। सबसे पहले विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं एवं उनकी कमियों के प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे अपने बारे में निर्णय लेते समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। दूसरा, विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित करते समय शिक्षक को उनकी सहायता करनी चाहिए।
यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि लक्ष्य का स्तर विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुरूप हो। तीसरा, अंतर्द्वंद से बचाव के लिए विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता विकसित की जानी चाहिए, जिससे वे सफलतापूर्वक अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। चौथा, शिक्षक को विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे उनमें समायोजन की योग्यता विकसित हो सके। अधिक से अधिक समायोजन क्षमता वाले व्यक्ति को अंतर्द्वंद की समस्या कम होती है। पांचवा, विद्यालयी जीवन में अंतर्द्वंद से बचाव के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को वास्तविक, स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करें। छठवां, विद्यार्थियों में सहनशीलता का गुण विकसित किया जाना चाहिए। सातवां, शिक्षकों को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को समाज एवं संस्कृति के महत्व से अवगत कराएं, साथ ही उन्हें यह भी सिखाएं कि समाज एवं संस्कृति से किस प्रकार तालमेल बिठाए रखें। इस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होंगे और अंतर्द्वंद से बच सकेंगे। शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी असफलताओं के संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण का विकास भी करना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि वे अपनी असफलताओं को सीखने की कुंजी माने और यहाँ से अपने प्रयासों की एक नई शुरुआत करें। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मजबूती से निर्णय लेने में सक्षम होगा और अंतर्द्वंद का सकारात्मक रूप से सामना कर सकेगा। अंतर्द्वंद से बचने के लिए व्यक्ति में कुशल, स्पष्ट एवं एक संप्रेषणकर्ता का गुण होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आमने सामने के स्पष्ट बातचीत से निर्णय तक पहुंचने में सक्षम हो पाता है और अंतर्द्वंद से बच पाता है। अतः शिक्षक को विद्यार्थियों में कुशल संप्रेषणकर्ता का गुण विकसित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में किस प्रकार के गुणों का विकास करें जिससे वह उचित रूप से और सफलतापूर्वक अंतर्द्वंद का सामना कर सके। विद्यार्थियों, आज हमने सीखा कि अंतर्द्वंद क्या होता है, अंतर्द्वंद के स्रोत कौन कौन से होते हैं, अंतर्द्वंद के को समझने के कौन कौन से उपागम होते हैं, अंतर्द्वंद के क्या क्या परिणाम सामने आते हैं और अंत में शिक्षक किस प्रकार से अंतर्द्वंद प्रबंधन कौशल का गुण विद्यार्थियों में विकसित कर सकता है। धन्यवाद।